हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइवर को फ्री में कैसे डाउनलोड और अपडेट करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आपके पीसी में एक ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, चाहे कोई भी विंडो हो, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। यानी तो कोई भी ड्राइवर आपको डाउनलोड करके अपडेट करना होगा तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना स्नैपी ड्राइवर, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसका ऑफिशियली वेबसाइट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इंस्टॉल मिसिंग ड्राइवर एंड अपडेट ओल्ड ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। डाउनलोड के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडो एक्सपी विस्टा 7, 8, 10, 11 यहाँ देख रहे हैं, सभी विंडो के लिए है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दो वर्जन दिख जाएगा, एक एसडीआई फुल वर्जन और एक एसडीआई लाइट वर्जन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसडीआई फुल वर्जन। इसमें क्या होगा, यदि आप ये वाला डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, ये डाउनलोड होने के बाद टोटल 35 GB है, टोटल डाटा को आपको डाउनलोड कर देगा, यानी 35 GB डाउनलोड करेगा। उसके बाद इसको रन कीजिएगा तो क्या होगा कि कोई भी ड्राइवर किसी भी सिस्टम में होगा तो ऑटोमेटिक उस ड्राइवर को इस डाटा से उठा के और ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। इस केस में आपको नेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये फायदा होता है, ये उसके लिए यूज होता है जो आईटी बंदे होते हैं उसके लिए होता है। अब मान लीजिए आपको इतना डाटा डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ वही ड्राइवर डाउनलोड करना है जो आपको जरूरी है, बाकी आपको डाउनलोड नहीं करना है। उस केस में आपको क्या करना है, एसडीआई लाइट आपको यूज करना है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के दिख जाएगा मिरर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, यानी ये अलग अलग सर्वर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से ऑटोमेटिक आपके केस में भी ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको डाउनलोड किया, वहाँ पे इस तरह से जिप फाइल दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस जिप फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, यहाँ पे आपके केस में भी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपके केस में भी ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी दो EXE दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला वाला EXE है ये 32 bit का है, ये उनके लिए है जिसके केस में 32 bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके केस में ये यूज करना है। यदि आपके केस में 64 bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। आप अपने केस में चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको यूज करना है। अब मान लीजिए यदि आपको चेक करना नहीं आता है आपके केस में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले वो मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी दिखेगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है। यदि आपके केस में 32 bit लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 32 bit वाला EXE यूज करना है। यदि आपके केस में 64 bit लिखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 64 bit का EXE यूज करना है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यहाँ से आपको चेक करना है। उसके बाद इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। मेरे केस में 64 bit है, इसलिए मैं यहाँ पे 64 bit को आपको करके दिखाता हूँ। सेम तरीके से आप 32 bit को भी करके आप चेक कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पहले वाला फुल वर्जन वाला जो आपको बताया था वैसे ही ये काम करता है। सेम तरीके से आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा 35 GB का डाटा डाउनलोड होगा और फिर उसको आप यूज करना पड़ेगा। इसके नीचे सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये नेटवर्क से रिलेटेड ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हो जाएगा। यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड यानी लैन वैन वाईफाई का जो ड्राइवर इश्यू होता है उसी को यहाँ से फिक्स करेगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये वाला आप यूज करना है। इसमें क्या होगा, जो भी ड्राइवर आपके केस में मिसिंग होगा या अपडेट के लिए अवेलेबल होगा यहाँ ऑटोमेटिक आपका हार्डवेयर स्कैन करेगा और उसके हिसाब से आपको दिखा देगा। तो सबसे बेस्ट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से, यहाँ पे आपके केस में
में इसको ऑटोमेटिक स्कैन करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, पूरा आपके केस में जितना भी हार्डवेयर है सभी को स्कैन करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी ड्राइवर अपडेट के लिए अवेलेबल होगा या जो भी ड्राइवर मिसिंग होगा सारा लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके केस में यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं जितना भी ड्राइवर मिसिंग होगा या अपडेट के अवेलेबल होगा यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख रहे हैं जो भी अपडेट के लिए अवेलेबल होगा यहाँ पे दिख जाएगा, मिसिंग होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना, इसको यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो भी आपके केस में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, या नहीं तो आप सभी को अपडेट करना चाहते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट एरिया स्टोर पॉइंट, इसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए यदि आप इसको अपडेट करते हैं या कोई ड्राइवर आप इसको इंस्टॉल करते हैं उस केस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, सही से काम नहीं करता है, तो रिस्टोर पॉइंट से आप पुराना वाला को रिस्टोर कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको रिस्टोर वाला पॉइंट को आपको टिक मार्क कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो ड्राइवर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, यदि आप किसी को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं इस तरह से आप अपने केस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अपडेट करना है उसके हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा इंस्टॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो भी ड्राइवर मिसिंग था या नहीं तो जो भी अपडेट के लिए अवेलेबल था सभी अपडेट हो चुका है, या नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम था ड्राइवर से रिलेटेड वो फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।